Good morning, class 5. Today is the day of online classes. Again, I am back with a new chapter. And the chapter is Eat Healthy, Live Healthy. Matlab, healthy khaiye aur healthy rahiye. We need food to live. Hamein jeevit rehne ke liye kya cheez ki zarurat hai to? Food ki, bhojan ki. People living in different places eat different types of food. पीपुल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अलग अलग जगह जो लोग रहते हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, तो हम लोग का खाना क्या होता है? यूजुअली हम लोग का खाना होता है दाल, चावल, रोटी. जो साउथ इंडियंस है, जो साउथ इंडिया इंडिया के साउथ पार्ट में रहते हैं, वो उनका भोजन क्या है? तो इडली है, डोसा है. मतलब स्पेशलिटी हर जगह की अलग अलग होती है रीजन के हिसाब से. वॉट इज योर फेवरेट फूड? इस बुक में पूछ रहा है कि आपका फेवरेट फूड क्या है. वाई आर सम फूड्स कॉल्ड जंक फूड्स? कुछ फूड्स को, कुछ भोजन को जंक फूड क्यों कहते हैं? जंक फूड वैसे फूड को कहते हैं जो टेस्टी तो होता है लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता. एग्जाम्पल के तौर पर पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, ठीक है. मतलब जो खाना घर पर बना होता है वो हेल्दी होता है, और जो घर के बाहर का खाना होता है जिसको जंक फूड के नाम से बोलते हैं, जिसको हम जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सब जंक फूड हो गया जो कि टेस्टी होता है लेकिन हेल्दी नहीं होता है. ये बहुत सारे आगे चल के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में कन्वर्टेड हो जाता है. ओबिसिटी, मोटापा, यहाँ तक कि हार्ट डिजीजेस से भी संबंधित हो जाता है अगर हम जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फूड एंड इट्स कॉम्पोनेंट. इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि फूड जो है, भोजन है, वो क्या है और इसका कॉम्पोनेंट्स, ये क्या क्या चीज़ों से मिलके बना होता है. मतलब फूड का क्या क्या पार्ट है, फूड के अंदर जो हम खाते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड, फूड जो है, भोजन जो है, उसका अलग अलग प्रकार का स्रोत क्या है. बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट क्या है. हेल्दी लिविंग, स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन बिताना क्या है. सम कॉमन डिजीजेस, और कुछ कॉमन प्रकार की बीमारियां जो है वो क्या है. आप लोगों को पता होगा कि बीमारी जो होता है, अभी तो हम लोगों को पता है कि बीमारियां किस वजह से होती है. इंसान अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करे, साफ सफाई से नहीं रहे, तो इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है. ऐसे इस चैप्टर में हम लोग को आगे भी पढ़ना है, आगे पढ़ना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी अनहाइजेनिक वे से हो, गंदगी से हो. कुछ बीमारियां क्या होती है, आपको इस वजह से भी हो जाती है कि आप जो फूड ले रहे हैं उसमें किसी स्पेशल टाइप के तत्व की कमी है. खैर, वो सब आगे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी. फिलहाल इसमें हम लोग को पढ़ना है आवर बॉडी नीड्स फूड टू सर्वाइव. हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत है, किस लिए? तो जीवन यापन करने के लिए. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, फूड जो है हमें एनर्जी तो देता ही है, साथ साथ हमें क्या हेल्प करता है, ग्रो करने में. इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी टू डू वर्क. आप देखते हैं कि अगर हम लोगों ने रोजा रखा है या व्रत किया है, तो उस समय बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, ठीक है ना. तो उस समय क्या होता है, हम बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जो कि हम लोग नॉर्मल दिनों में करते हैं. एग्जांपल के तौर पे जैसे एक्सरसाइज वगैरह हुआ, वाइग्रस एक्सरसाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज. जब खाली पेट हो हम लोग रोजा के रूप में या फिर व्रत के रूप में, उस समय हम लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि एनर्जी बॉडी में कम होती है, ठीक है. खैर, उसके बारे में डिटेल में भी नहीं जानना, फिलहाल जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाऊंगी, वरना बड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा. डिफरेंट फूड प्रोवाइड डिफरेंट मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू स्टे हेल्दी. आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर तरह का भोजन जो हम खाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज में एक ही टाइप का क्या हो, न्यूट्रिएंट्स हो. हर चीज में अलग अलग होता है. जैसे मिल्क होता है, उसमें कुछ अलग होगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सलाद जो हम लोग खाते हैं, सलाद में बीटरूट होता है, चुकंदर होता है, वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है. वैसे ही मिल्क में कैल्शियम होगा. तो हर अलग अलग फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं.
टू गेट दिस मटेरियल वी नीड टू ईट दिस फूड इन राइट अमाउंट. अच्छा, सिर्फ फूड को इनटेक करना ही जरूरी नहीं है, राइट अमाउंट में ही जरूरी है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इंसान फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहा है, जैसे किसान, ठीक है, उसको तो उसको कैलोरीज की, उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका जो वर्क होता है फिजिकल वर्क वो बहुत ज्यादा क्या होता है, मेहनत वाला होता है. तो उसको उसके फूड में जो होता है कैलोरीज ज्यादा होनी चाहिए. और जो इंसान बैठ के काम कर रहा है, ऑफिशियल वर्क कर रहा है, उसके फूड में कैलोरीज की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए. इसीलिए आप देखेंगे जो मजदूर होता है, किसान होता है, गरीबी की वजह से बैलेंस डाइट नहीं ले पाता है, बेचारे के पास जो होता है उतना ही में थोड़ा बहुत में काम चला लेता है. तो आप देखिएगा जो गरीब होगा, मजदूर होगा, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है देखने में बहुत पतले दुबले होते हैं, लगता है कि बॉडी में नरिशमेंट की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है. और इंसान जो ऑफिशियल वर्क कर रहा है, अगर वो ज़्यादा फूड ले ले, क्योंकि जो इंसान ऑफिशियल वर्क कर रहा है वो सिंपल सी बात है कि वो उस किसान से, उस मजदूर से, उस गरीब आदमी से ज़्यादा संपन्न होगा, रिच होगा. तो वो जो भोजन कर रहा है, कभी कभी जितना कैलोरीज उसको चाहिए, जितना भोजन में कैलोरीज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उससे ज़्यादा वो इंटेक कर लेता है. तभी आप देखते हैं जो लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं या बैठ के वर्क करते हैं तो उनका बॉडी जो होता है थोड़ा फैल जाता है, मोटापा ज़्यादा आ जाता है. ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ खाना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. खाना का जो अमाउंट है कि कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए, जो कि हमारे बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट. ज़्यादा अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, तो कैलोरीज आपको ज़्यादा लेनी है. आपको खाने खाना जो है उसमें फूड में कुछ ऐसी चीज़ों को डालना है जो आपकी कैलोरीज को बढ़ाए, आपको ज़्यादा हेल्दी रखे. जब आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, तो आपको कैलोरीज कम लेनी है, उसमें भी मात्रा का ख्याल रखना है. ठीक है, नो द न्यूट्रिएंट्स, जो पोषण है, जो पोषक तत्व है उसके बारे में हम लोग को जानना है. फूड प्रोवाइड्स डिफरेंट सब्सटेंस दैट गिव अस एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी. अभी मैंने आपको बताया कि फूड ना सिर्फ हमें टेस्ट देता है, हेल्थ देता है, बल्कि हमें ग्रो करने में, बढ़ने में भी हेल्प करता है. दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो फूड हमें क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, हमें हेल्दी रखता है, उसे न्यूट्रिएंट्स, पोषण या पोषक तत्व कहते हैं. दिस इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर. जो भी खाना हम खाते हैं उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या फैट होगा, या प्रोटीन होगा, या विटामिन्स होगा, या मिनरल्स होगा, या फाइबर होगा, या इसमें से कुछ मिला जुला भी हो सकता है. मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें, अभी जो मैंने 6 चीज का नाम लिया है, उन 6 में से कोई एक होगा या फिर इनमें से मिला जुला कुछ होगा. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो आई विल बी बैक टू एक्सप्लेन व्हाट आई सेड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. दैट्स ऑल. थैंक यू.